समूचे मध्य प्रदेश में 28 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, जिसमें हाटपिपलिया विधानसभा में भी उपचुनाव है, जिसके चलते वर्तमान में हाटपिपलिया विधानसभा में चुनावी पारा चढ़ता नजर आ रहा है। दोनों ही दल के नेताओं ने हाटपिपलिया विधानसभा की जमीन पर अपना डेरा डाल दिया है, जिसके चलते आए दिन बड़े नेताओं के जरिए अपने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। सोमवार के दिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए मनोज चौधरी के समर्थन में हाटपिपलिया में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर निर्धारित समय से 3 घंटे लेट पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बागली से संवाददाता की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री बन गए इसलिए यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है, यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बचाने का चुनाव है। यह चुनाव शिवराज सिंह जी को पूरे 5 बरस तक मुख्यमंत्री बनाए रखने का चुनाव है। और मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, पिछले बार जब चुनाव हुआ था तो मनोज चौधरी और दीपक जोशी आमने सामने थे, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आमने सामने थी, लेकिन हम सबको यह भी विचार करना पड़ेगा, मनोज चौधरी का इस्तीफा नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं बनते। मुझे ध्यान है जब मनोज चौधरी का इस्तीफा दिल्ली में हो रहा था तब मनोज ने यह बात कही थी कि भाई साहब हम आपके परिवार में आ रहे हैं, हमारे भविष्य का ध्यान रखना। हम सब ने उस समय इसको आश्वस्त किया था कि आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया, प्रदेश में अराजकता की स्थिति खड़ी हो गई, कांग्रेस में आंतरिक विद्रोह हुआ, भारतीय जनता पार्टी इस राज्य का मुख्य विपक्षी दल है, भारतीय जनता पार्टी ने परिस्थिति का संज्ञान लिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से बातचीत की, तदुपरांत अनेक लोगों ने इस्तीफे दिए और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई है। बंधुओं, चुनाव 18 में हुआ था, उस समय हमारे दीपक भाई चुनाव लड़े थे, 18 के चुनाव में वोट को भाजपा को ज्यादा मिले थे, लेकिन कांग्रेस को 4-5 सीटें ज्यादा मिली थी। हमने नैतिकता का तकाजा दिखाया, कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस सरकार चला नहीं पाई। लेकिन आज परिस्थिति ने उपचुनाव की स्थिति मध्य प्रदेश में लाकर खड़ी की है। जब 18 का चुनाव हो रहा था तो हम लोग जनता के बीच में इसलिए गए थे कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सरकार चौथी बार बनाना है। हम जनता के बीच में इसलिए गए थे कि शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।